शिक्षक ने किया विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण, ग्रामीणों ने अतिक्रमण को मुक्त कराने की लगाई गुहार। आपको बता दें कि चौथर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत होइता पूर्वा शासकीय शिक्षक ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय को बनाया निशाना, कर बैठा विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि चौथर जनपद पंचायत अंतर्गत हाहोती पूर्वा ग्राम पंचायत एक ऐसा अजीबो गरीब मामला वहां से आया है कि देश निर्माता शासकीय शिक्षक ने अपने गांव में ही शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के मना करने के बाद भी शिक्षक बाज नहीं आया और ग्रामीणों ने अब चौथर SDM को ज्ञापन सौंप कर अतिशीघ्र कार्यवाही करने और अतिक्रमण को खाली कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं SDM संजीव पांडे जल्द से जल्द निरा करने की बात भी कही है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों सहित विवेक सिंह समाज सेवी और संजीव पांडे SDM चौथर से प्राप्त जानकारी के अंश। रमा शंकर सिंह ग्राम बांस से और ग्राम पंचायत होती पुरवा। क्या समस्या लेकर यहाँ आए? समस्या यही हमारे गांव की एक गवर्नमेंट स्कूल है शासकीय 8वीं तक, जिसको कि अवैध कब्जा कर लिया गया है। उसके स्कूल के सामने जो भी ग्राउंड था उस ग्राउंड में घर बना लिया गया है। तो उस हमें किसी से विवाद नहीं, बट हमको स्कूल की जो भी ग्राउंड था वो हमको पूरा कंप्लीट और ओपन चाहिए। किनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया? छेदीलाल आदिवासी जो कि शिक्षक हैं रायपुर सनौरी, मतलब रायपुर मोड़ में विद्यालय में, वो वहीं पे घर बना, ग्राउंड था पूरा, धीमे धीमे कच्चा मकान फिर पक्का, पूरी चारों तरफ से हमारे स्कूल कब्जे में हुआ है। और उसी का हम मुद्दा उठाए हैं कि हमारा स्कूल का ग्राउंड पूरा खाली होना चाहिए और हमसे उनसे कोई भी बात नहीं है, जिससे कि हमारा स्कूल, हमारे बच्चे, भविष्य जो भी है वो पूरा कंप्लीट हो। क्या आवागमन में समस्या है? बिल्कुल पूरा है, हमारे गांव की पूरा ओपन, मतलब सील है एक तरीके से समझिए, गांव विकास बिल्कुल नहीं है हमारे गांव। आज हम लोग पूरे समस्त ग्रामवासी, ग्रामवास के निवासियों के साथ हम लोग ने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को। ग्रामवास में एक सरकारी विद्यालय है, उसमें एक सरकारी शिक्षा की छेदीलाल के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और अतिक्रमण इतना भयंकर किया गया है कि वहाँ पे ना तो रास्ता है जाने के लिए विद्यालय में, शौचालय का अतिक्रमण कर लिया गया है, हैंडपम्प का अतिक्रमण कर लिया गया है। आज हम सब SDM साहब से ये मांग किए हैं कि इसको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द इसका अतिक्रमण हटाया जाए। ये हम सब आज इस वजह से हम लोग इक्ट्ठा हुए यहाँ पर। SDM साहब ने हमारे इस मांग को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि हमने तहसीलदार को हम बोलेंगे कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें और जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, अतिक्रमण हटाने की आगे कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। सर इनके द्वारा क्या आपको समस्या अवगत कराया गया और इस पर क्या निराकरण किया जाएगा आपके द्वारा? कुछ वहाँ स्कूल के जो मार्ग है उस पर अतिक्रमण के संबंध में कुछ शिकायत की गई है, तो उसमें मैंने नायब तहसीलदार, उसमें मैंने कल ही एक्चुअली मेरे संज्ञान में आ गया थी ये चीज़, तो मैंने नायब तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया है, तो वो मौके पे जा करके जो भी समस्या है उसका तत्काल निराकरण करेंगे, उनको निर्देशित किया है।